माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, 17वीं बार लिपस्टिक लगा रही हूँ, फिर भी शैलेश जी अभी तक नहीं आए। हेलो, वैसे तो मैं शो आराम से अकेली हैंडल कर सकती हूँ, पर क्या करें, बड़े बुजुर्ग को रिस्पेक्ट जो देना पड़ता है। क्या ये बड़े बुजुर्ग का रेस्पेक्ट, मतलब खुद का रेस्पेक्ट आदमी नहीं करेगा, करना चाहिए तुम्हें अपना रेस्पेक्ट। नहीं 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 नहीं, क्या मतलब नहीं नहीं आदमी, अच्छा तुम अपना रेस्पेक्ट नहीं करना चाहते, हम नहीं करते तुम भी नहीं करो, तुम तो करो कम से कम। अरे भाई मतलब यार शैलेश जी, एक मिनट, आप इतने हाइपर क्यों है, इतना गुस्से में क्यों है आप? तुम्हारे साथ आदमी आगे का नॉर्मल रहेगा, पर उसके पहले यार ये बाहर ऐसे ऐसे लोग मिल जाते हैं, ऐसी की तैसी कर डालते हैं पूरे मूड की, पूरे दिन की। ओ गॉड, कौन ऐसा इंसान आपको मिल गया? क्या कौन मिला बताऊं तुम्हें? हाय, आपको कौन मिला? ये फालतू जोक मत मार, वैसे ही दिमाग बहुत खराब है। कौन मिला? एक मात्रा नहीं, दो मात्रा, कौन मिला? कौन? ओहो, मिस्टर बच्चन मिले? हाय। अरे मिस्टर बच्चन से भी ऊपर की चीज। हाय, घायल टुकड़ा। हाय, हाँ घायल टुकड़ा, परेशान कर रखा है। शो में बुलाओ, शो में बुलाओ बाबा, शो में बुलाओ। कैसे बुलाओ यार, कैसे बुलाओ? हद करके, मतलब घायल टुकड़ा कोई आदमी है? कोई आदमी है ये? इसे की तेजी कर डाल दिया। वही तो। क्या वैसे क्या कह रहे थे घायल टुकड़ा जी? घायल टुकड़ा मतलब कह रहा था कि देखो शैलेश जी, मुझे शो में बुला दो, नहीं तो अच्छा नहीं होगा, मतलब कि मैं शो में आना चाहता हूँ, मैं बहुत शायरी कर रहा हूँ आजकल सुबह शाम दोपहर, और शायरी नहीं करता तो शायरी की ऐसी तैसी जरूर करता हूँ। तो फाइनली आप घायल टुकड़ा बन ही चुके हैं? बन चुके मतलब है ही, हम तो घायल टुकड़ा। तो फिर शैलेश जी तो मेरे लिए अच्छा कहते नहीं है, आप ही कुछ मेरे लिए अच्छा कह दीजिए। ऐसा कहूंगा मतलब कि साथ में चली आएगी घर पे। अयो मजाक नहीं कर रहा हूँ, तू घर के लिए नहीं? मैं घर के लिए नहीं, बाहर के लिए ठीक है, मतलब घूमने फिरने। हाँ हाँ, बाहर के लिए ठीक है, शॉपिंग भी। या, या, या। तू घर के लिए नहीं, बाहर के लिए ठीक है, तेरी उम्र के हिसाब से तू मेरे फादर के लिए ठीक है। खैर साहब, ये घायल टुकड़ा तो जब आएंगे तब आएंगे शो में, लेकिन हम उन्हें बीच में आपसे इसी तरह से मिलाते रहेंगे, लेकिन पहले ये तो जान ले कि आज जो वो लोग आ रहे हैं जो आपको घायल करने वाले अपनी कविताओं से, वो क्या क्या करने वाले? करा दो जी, करा दो मेरी शादी, करा दो करेगा मेरे दिल पे यहाँ तो रेगिस्तान, दिलाऊंगा मैं उसको बनारस का बागा गागा 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 गान। करा दो जी, करा दो इसकी शादी, करा दो शादी, करा दो। यहाँ तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी, और ये दोनों कभी थे शाकाहारी। शैलेश जी और सुरेश जी ने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई। क्या बात है। एक दिन हंसकर बोला मुझसे मेरा तोता, अच्छा तुम मैं नागर होती कितना अच्छा होता, क्या बात? दो टकियों की एक नौकरी होती चाहे ना होती, होते कस्बा रह बच्चे, अच्छा स्कूल की फीस ना होती, वाह महंगाई के आलम में ना घर की चिंता होती। क्या बात। ये पत्नी से परेशान तो वो तोते से परेशान, लेकिन अपनी परेशानी तो बच्चों की है जी। उसने कंप्यूटर पे एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हल की, तो हमने उसकी पीठ थपथपाई, मैंने शाबाश बेटे तू देखने में बेवकूफ लगता लेकिन है नहीं। अच्छा। उसने तुरंत मुझे निपटाया, बोले पापा मुझ में आप में यही तो फर्क। शो ने हिंदुस्तान के कविता के इतिहास के अंदर तहलका मचा दिया, 100 से ज्यादा एपिसोड कर चुके हैं हम। वाह क्या बात है कि आज हमारी इस महफिल में उठेंगे ठाके, बजेंगी तालियां, सुनाई जाएगी कविता, आपके घरों में बहेगी हंसी की नदी जिसमें तैर के आप बाहर निकलेंगे, और जब बाहर निकलेंगे तो होंगे खुश, चेहरों पे होगी मुस्कुराहट, और घर का हर सदस्य मिलकर यही कहेगा वाह क्या बात है। आज का जो एपिसोड है, जो चारों लोग हैं आज हमारे बुजुर्ग स्पेशल में जो बैठे हैं, तो तुम इनसे कनेक्ट करो। स्वीट, मतलब माय प्रोग्रेस, नॉट प्रोग्रेस, आपके साथ के लोग।
आपकी जिसको हम हरियाणा में कहते हैं जोट के लोग हैं, जो चारों में बैठे हुए हैं आज इस बुजुर्ग स्पेशल में, आप चारों का स्वागत है। अनिता जी आप इस पे आपत्ति उठा रही है, जरा माइक उठाइए। हाँ हाँ, दो पंक्तियां आपके लिए। स्वागत। के इंसान हैं आप, अपना पराया न देखिए। हाँ। जब प्यार बांटना है तो चेहरा न देखिए। उसके लिए मैं आपको सिर्फ दो पंक्तियां कहना चाहता हूँ कि जिंदगी के अंदर जरूरी नहीं है कि हर आदमी नायक ही हो। जिंदगी में क्या बात, जरूरी नहीं है कि हर आदमी नायक ही हो, और चेहरा देखा भी जा सकता है अगर देखने लायक भी हो। चलिए माफ कीजिएगा, चेहरों की हम बात नहीं करते, हम उम्र की बात करते हैं आज। बुजुर्ग स्पेशल जो है आदमी की उम्र के लिए, हमारे कवि मित्र श्याम ज्वालामुखी वो एक बहुत बढ़िया बात कहते थे। वो कहते थे कि नोट की वैल्यू देखी जाती है, प्रिंटिंग डेट कौन देखता है। तो जीवन में वैल्यू जो है वो हमेशा बनी रहनी चाहिए, और हमारे बड़े वैल्यूएबल कवि हमारे बीच में है, जो चारों हमारे साथ बैठे हैं, मुजा और मालेगा भी, अनिता सोनी, आशकर नटले, सुरेश अवस्थी। एक बार इनके लिए जोरदार तालियां, और हम कहते हैं वाह वाह क्या बात है, स्वागत है आपका। तो आइए महफिल की शुरुआत करते हैं, और महफिल की शुरुआत उस कवि से करते हैं जिसके पास कविताएं अलग अलग है लेकिन जैकेट एक है, मुजावर मालेगा भी, जोरदार तालियों के साथ। शैलेश जी, जी वाहवा क्या बात के लिए कल निकला घर से जी, तो एक पत्नी अपने पति को बहुत बुरी तरह पीट रही थी। सीधा कहो ना, अपनी कहानी सुना रहे हो। हाँ सर, मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मतलब किसी और की पत्नी किसी को पीट रही थी और आपको अपना जमाना याद आ गया। जी सर। किस तरह से? जो मेरे साथ हुआ मैं बिल्कुल सच सच पेश करता हूँ। सुनाइए। सुनिएगा। कल रात मेरी अच्छा पत्नी ने मुझको कल रात मेरी पत्नी ने मुझको दौड़ा दौड़ा के मारी। फुकनी 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 फुकनी। इतनी पड़ी बरसों बाद मुझको, इतनी पड़ी बरसों बाद मुझको, मिट गई मेरी सारी खुजली 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 खुजली। अरे खुजली, बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। क्या बात, इन्हें जरा फुकनी का अर्थ बता दूं। ये चूल्हा फूंकते हैं ना गांव में, तो जिससे फूंका जाता है वो लोहे की फुकनी हुआ करती है, उससे खींच के मारा मुजावर भाई को। वाह वाह क्या बात है। मैं अपन हाजिर करता हूं। जी जी हाजिर कीजिए। रात को जब मैं घर पहुंचा तो घर पे लगा था ताला। रात को जब मैं घर पहुंचा तो घर पे लगा था ताला। शायद बेगम भाग गई ये बोल रहा दरवाजा। शायद बेगम भाग गई ये बोल रहा दरवाजा। सर्दी है जम्मू के बाहर हूँ तन्हा। सर्दी है जम्मू के बाहर हूँ तन्हा। आके कोई ओढ़ाए गुदड़ी 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 गुदड़ी। ये बंद को दरखास्त सुनिएगा। सुनाइए। मेरी साली छुपी हुई थी, मेरी साली छुपी हुई थी मुर्गी के दरबे में। साली मेरी छुपी हुई थी मुर्गी के दरबे में। क्या साली है? खटखट की आवाज जो आई रात के सन्नाटे में, रात के सन्नाटे में। तो सास मेरी आवाज सुन के, तो सास मेरी आवाज सुन के मुझसे घबरा के बोली उसी बकरी 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 बकरी। बकरी बकरी अरे बकरी। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। क्या बात है, वाह वाह वाह। तब से मैं अकेला बहुत बोर होता हूँ, तन्हाई में अजीब अजीब ख्वाब नजर आते हैं। How sad. अब मैं चाहता हूँ कि अपने कोई जीवन साथी चुन लूं। अरे तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हूँ। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चुनिए, हमारे पास एक कैंडिडेट है। ये अन्याय है। हाँ, क्या? इनके ये साथ अन्याय है। नहीं तो इस टीम में और भी कवि है। बहुत अच्छा, जरा इन्हें प्रपोज करिए। अगर नेहा जी आप मेरी भावनाओं का सम्मान करती हैं तो मैं गीत हाजिर कर देता हूँ। हाँ, कौन कौन सी भावना है? पटेल, मिश्रा। भावनाएं जो हैं मैं सादर करता हूँ, सुनिएगा जी। करा दो जी करा दो, मेरी शादी करा दो। करा दो जी करा दो, इनकी शादी
शादी करा दो। शादी का भूत मेरे सर पे सवार है, शादी का भूत मेरे सर पे सवार, उतारो मेरी आशिकी का पुकार, गा 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 करा दो जी करा दो, मेरी शादी करा दो, बना दो जी बना दो, मुझको दूल्हा बना दो, करेगा मेरे दिल पे यहाँ जो है एहसान, करेगा मेरे दिल पे यहाँ जो है एहसान, खिलाऊंगा मैं उसको बनारस का बाबा, जो जी करा दो मेरी शादी करा दो, ओ मेरी शादी करा दो, शादी करा दो। क्या बात है, प्रेम नगर का आशिक बुराना, प्रेम नगर का आशिक बुराना, एक पत्नी का दिल है दीवाना, 60 बरस का हूँ अब तक कुंवारा, 60 बरस का हूँ अब तक कुंवारा, ढूंढता हूँ बाहों का सहारा, ढूंढता हूँ बाहों का सहारा, सोनी पड़ी है दिल की अटरिया, एक जमाने से बजा दो जी बजा दो, मेरी पुंगी बजा दो, पुंगी बजा दो, बजा दो शहनाई बजा दो, मेरी पुंगी बजा दो। ये बन सुनिएगा जी, जो भी हसीना मेरे पास आए, अच्छा, पहले वो खट्टी कविता सुनाए, अच्छा, जैसे ही दिल उसको आई लव यू बोले, जैसे ही दिल उसको आई लव यू बोले, मार के ठुमका मुझे भाग जाए, चूल्हा बेचारा ठंडा पड़ा है मेरे जीवन का, गा 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 गा। पका दो जी पका दो, मेरी खिचड़ी पका दो, पका दो जी पका दो, मेरी खिचड़ी पका दो, करेगा मेरे दो रेगिस्तान, खिलाऊंगा मैं उसको बनारस का पका, गा 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 गा, करा दो जी बना दो, मुझको दूल्हा बना दो, दूल्हा बना दो, करा दो जी करा दो, इसकी शादी करा दो, शादी करा दो। क्या बात है, अंतिम बंद जी, देखिएगा डॉक्टर साहब, जो भी मेरा जीवन साथी बनेगा, जो भी मेरा जीवन साथी बनेगा, जो मेरे बालों में कंघी करेगा, क्या सपना है, हर रोज उसकी मैं सेवा करूंगा, खाना पकाऊंगा पानी भरूंगा, खाना पकाऊंगा पानी भरूंगा, माना के मैंने हारी बहुत है मेरे जीवन का, गा 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 गा। उठा दो जी उठा दो, मेरा डोला उठा दो, उठा दो जी उठा दो, मेरा डोला उठा दो, करेगा मेरे दिल पे यहाँ जो एहसान, करेगा मेरे दिल पे यहाँ जो एहसान, खिलाऊंगा मैं उसको बनारस का बाबा, गा 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 गा, करा दो जी करा दो, शैल जी इसकी शादी करा दो। क्या बात, वाह 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 मुजावर भाई, आपने कमाल कर दिया, और मुझे उस जमाने की याद दिला दी जब राजाओं के सामने नर्तकियां नाचती थी और राजाओं का दिल आ जाता था तो उससे विवाह भी कर लेते थे। आज आपने बिल्कुल ऐसा आके नृत्य किया नेहा के सामने, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूँ, देखिए गलत बात है, मैं नहीं चाहता कि आप इस तरह से कोई चीजें करें, तुम्हारे पिताजी के घर की दीवार नहीं है। नहीं आपको राजा वो जमाने में लेके जा रहे थे तो मैंने सोचा, मैं तो किसी और जमाने में जाऊंगा तो वो करने लगूंगी। मैं कहना चाहता हूँ मुजावर भाई,
यहाँ प्रपोज मत करो। हाँ। एक लड़का बहुत दिनों से कह रहा था, मुझे कहता वो बस एक बार नेहा हाँ भर दे नहीं तो मैं मर जाऊंगा। मैंने कहा हाँ भर देगी तो वैसे ही मर जाएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई दिक्कतें हो मुजावर भाई। मैं चाहता हूँ कि आप बिल्कुल अपनी जिंदगी में ठीक ठाक रहे। हाँ हाँ। आइए हम अगले प्रत्याशी से मिलते हैं, वो प्रत्याशी जिन्होंने जीवन में जवानी में ऐसे बहुत सारे ऐतिहासिक घटनाओं को अंजाम दिया जिन्हें हम आज भी याद करते हैं। बचपन में उन्होंने ये जो स्किन है आप देखिए जो लाल बूंद आश्चर्य नजर आ रहे हैं, इसका एक वैज्ञानिक कारण है। Oh. जी बचपन में गांव में रहे हैं जहाँ ऊटनी का दूध इन्होंने पिया है। ऊटनी का जी yes, yes. लोग गाय का बकरी का, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ मैं, वही कारण है जो आज आजकल अटल बाईपास सर्जरी के बाद भी यहाँ इस तरह से बड़े सशक्त होके और पूरे उत्साह और उमंग के साथ बैठ के कविता पढ़ने के लिए आए हैं। डेफिनेटली आजकल अटल जी, मैं सारे देश को बता देना चाहता हूँ कि आपकी बाईपास सर्जरी हुई है, सिर्फ इसलिए बता देना चाहता हूँ कि उनको मालूम है कि ये चीज सिर्फ बुढ़ापे में ही होती है। आइए आजकल अटल जोरदार तालियों के साथ। काव्य पाठ शुरू करने से पहले एक टिप्पणी मैं करना चाहता हूँ। पिछले दिनों रुपए के गिरने की जो खबर आई हम सब ने पढ़ी थी, रुपया बहुत गिरा, लेकिन रुपया उतना कभी नहीं गिर सकता जितना आदमी रुपए के लिए गिर सकता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया। अब जिस कविता के लिए मुझे मंच से आदेश हुआ है मैं वो सुनाना चाहता हूँ। कविता का शीर्षक है वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका। वेजिटेरियन कवि इन अमेरिका, ये कविता मैंने शैलेश लोढ़ा और सुरेश जी पे लिखी है। जी है? हाँ, लोग बाग नेताओं पे लिखते हैं, लोग बाग पुलिस वालों पे लिखते हैं, मेरे पास उससे बढ़िया माल रखा हुआ था। मैंने इन पे लिखी और दोनों के बारे में परिचय में मैं आपको बता दूं, दोनों शुद्ध शाकाहारी हैं, पक्के, खाने में लहसुन भी नहीं खाते, बिल्कुल नहीं। खाने में इन दोनों को पराठे बहुत पसंद है, पसंद है। पराठों के लिए अपनी रेट भी आदि कर देते हैं और कभी कभी तो मुफ्त में भी चले जाते हैं। बिल्कुल, क्या बात है, कितना जानते हैं आप। तो साहब कुछ साल पहले ये दोनों अमेरिका गए थे और एक ऐसे होटल में बंदोबस्त हो गया जहाँ पे शाकाहारी खाने को कुछ भी नहीं था। दो दिन तक लगातार भूख से मरने की नौबत आ गई और मैंने एक शेर सुना, उसमें एक पंक्ति है कि भूख इंसान को गद्दार बना देती है लेकिन भूख इन बहादुरों को मांसाहारी तक नहीं बना सकी। क्या बात, एक बार इनके सम्मान में तालियां बजा दीजिए। क्या बात, धन्यवाद धन्यवाद। यहां तो बढ़िया होटल में इंतजाम था, आराम ही आराम था, लेकिन होटल के रेस्टोरेंट में पानी के अलावा सब कुछ था मांसाहारी और ये दोनों कवि थे शाकाहारी। धर्म बचाते तो प्राण गंवाते, प्राण बचाते तो धर्म गंवाते, किससे करते फरियाद, आयोजक आने वाला था दो दिन बाद। शैलेश जी और सुरेश जी ने 50वीं बार पानी पिया और 60वीं बार संकल्प लिया, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर मटन न खाई, प्राण जाए पर चिकन न खाई। क्या बात है। टीवी पर न्यूज आ रही थी अगले साल अमेरिका वाले मंगल पे पहुंच जाएंगे। शैलेश जी बोले ये अमेरिका वाले मंगल पे तो पता नहीं पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे, इनकी धरती पे एकाद कवि भूख से मर गया तो नरक जरूर पहुंच जाएंगे। दोनों होटल से बाहर निकले, हर तरफ बिखरा था अमरीकी वैभव और उस वैभव से दूर ये दो वैष्णव। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर सुरेश जी बोले वाह क्या रंगत है। अब एक भूखे आदमी की मानसिकता देखिए, भूखे आदमी को पूछो कि दो और दो कितने होते हैं तो कहेगा चार रोटी। खूबसूरत सड़कें, लंबी लंबी इमारतें देखकर सुरेश जी बोले वाह क्या रंगत है, दो प्लेट समोसे मिल जाते तो हूबहू जन्नत है। क्या बात है, क्या बात है। शैलेश जी बोले मुझको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन खाना खाए बिन वैसे ही बुरी हालत थी, इस बुरी हालत में समोसे याद दिलाने की क्या जरूरत थी। अब साहब सिचुएशन बदलती है, तभी एक साहित्य प्रेमी टकराया, सुन के इनका धर्म संकट अपने घर ले आया और ढेर सारा दलिया फ्रिज से निकाल कर इनके सामने धर दिया, बोला हाल फिलहाल तो यही तैयार है अगर आपको स्वीकार है। दोनों बोले स्वीकार है स्वीकार है, अरे दलिया तो अमृत है, अच्छा ऋषियों का आहार है। क्या बात है। साहित्य प्रेमी बोला ये दलिया बना था मेरे अंकल के लिए, वे भी ऋषि ही थे समझिए, डिनर में हमेशा दलिया खाते थे, हफ्ते भर का एक साथ बनवा के फ्रिज में रख जाते थे, अभी एक दिन ही खाया था
कि दुनिया से मुंह मोड़ गए, हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। हमारे लिए दुख और आपके लिए दलिया छोड़ गए। लिए दलिया छोड़ गए बना था। सुरेश जी बोले, ये हुआ ना ऋषियों वाला काम, उनकी आत्मा को शांति दे श्री राम। साहित्य प्रेमी बोले, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, जितने दानों पे उनका नाम था उतना ही उन्होंने खाया। शैलेश जी बोले, उनकी शराफत देखिए, हमारे नाम वाले दानों को हाथ भी नहीं लगाया। बहुत अच्छे अटल जी। अब दोनों दलिये पर टूट पड़े, ठूस ठूस के खाया और हर कौर के साथ साहित्य प्रेमी का आभार जताया, आप महान हैं, देवता समान हैं, आपने दलिया नहीं खिलाया है, वैष्णव धर्म बचाया। क्या बात है, आपके जैसा साहित्य प्रेमी ढूंढे से नहीं मिलेगा, हिंदी साहित्य आपका सदा ऋणी रहेगा। अब देखिए फिर सिचुएशन बदलती है जी। अब इसे इनका नसीब माने या ऊपर वाले का मजाक जाने, इधर ये बासी दलिये से पेट भर रहे थे, उधर गर्म पराठों का निमंत्रण लिए आयोजक के एक रिश्तेदार होटल में इनका इंतजार कर रहे थे। अच्छा। ये लौट के आए तो पता चला वे अभी अभी घर गए हैं, इनके लिए पता और ये मैसेज छोड़कर गए हैं कि एक घंटे तक इंतजार करूंगा, फिर नहीं मिल सकूंगा, आ जाइए खाना तैयार है, आलू के पराठे, मटर पनीर और साथ में अचार। अब दोनों ठगे ठगे एक दूसरे का मुंह देखने लगे, सामने गरम पराठों का निमंत्रण धरा था पर खाते कैसे, गले तक तो दलिया भरा था। भाई बहुत अच्छे अटल जी, क्या बात है। और साहब आदमी की फितरत देखिए कि आदमी कितना एहसान फरामोश हो सकता है। देखिए सुरेश जी आदमी की फितरत देखिए, आदमी की फितरत देखिए कि जो दलिया कुछ देर पहले अमृत समान था, अब वो अमृत समान न रहा। जो साहित्य प्रेमी कुछ देर पहले महान था, अब वो महान न रहा। शैलेश जी ने शराब देते हुए कहा, तेरा सत्यानाश हो। साहित्य की दुम, उल्लू की घोड़ी, पेट में एक पराठे की जगह नहीं छोड़ी। सुरेश जी बोले, यहाँ अमेरिका आकर भी दलिया ही खाते हो। इस जिंदगी का एक दिन का भरोसा नहीं, फिर 7 दिन का दलिया एक साथ क्यों बनाते हो। बहुत बढ़िया। दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पूरे अमेरिका में उस बासी दलिये पर हम दोनों का लिखा था ना। कर गए ना दुश्मन वाला काम। इनके चेहरों पे उभर आया दर्द देखकर होटल का मैनेजर बोला, कैन आई हेल्प यू सर। शैलेश जी बोले, चिढ़ते चिढ़ते, तुम तो क्या, तुम्हारे राष्ट्रपति भी इसमें हेल्प नहीं कर सकते। बहुत अच्छे। मैनेजर की कल्पना से परे था इनका दुख, इनका अवसाद, विदेशी क्या जाने भारतीय भोजन का स्वाद। पंजाब के समोसे, दक्षिण के डोसे, कोलकाता के रसगुल्ले, दिल्ली की चाट और दही भल्ले, मारवाड़ की दाल बाटी, मुंबई की पाव भाजी, हर पकवान का स्वाद निराला, जिसके सामने ये बर्गर वर्गर टिकता कहाँ है साला। क्या बात है भाई, वाह वाह वाह। उसी स्वाद के कारण हम चांद पर गए नहीं। क्या बात है भाई, बहुत बढ़िया लाइन है, वाह वाह वाह। उसी स्वाद के कारण हम घर से निकले नहीं, उसी स्वाद के कारण कितने मुल्कों ने हम पर हमले किए पर हमने किसी मुल्क पर हमले किए नहीं, बस स्वादिष्ट और मसालेदार खाना खा लिया तो ऐसा लगा जैसे तीनों लोक का राजपाल। क्या बात है भाई, वाह 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 वाह। बहुत बहुत धन्यवाद। अटल बहुत बढ़िया कविता आपने सुनाई, अद्भुत कविता। सिचुएशन हास्य की, आपके खाने पीने के कितने शौकीन है तो पता चली गया। आशकरण अटल एक बार सुरेश अवस्थी के घर खाना खाने गए थे, मुझे अच्छी तरह से याद है, और सुरेश जी की पत्नी इन्हें खाना खिला रही थी, बोले अटल जी रसगुल्ला लीजिए, रसगुल्ला लीजिए। अरे नहीं भाभी जी, मैं ऑलरेडी 4 खा चुका हूं। अरे बोले नहीं, खाए तो आपने 9 है, गिन कौन रहा है। और आइए मुजावर मालेगावी और आशकरण अटल के बाद अब उम्र के इस दौर में सुनते हैं अनिता सोनी को, जोरदार तालियों के साथ। तो हमारा दिन खराब है क्योंकि हमें 65 साल का बना दिया गया है। ये खराब थोड़ी ना कहते हैं, इट्स एन इंस्पिरेशन टू बी मोर ब्यूटीफुल।
कहना चाहूंगी कि करीब आ प्यार का इजहार कर दे, हाँ। मुझे छू ले, मुझे गुलजार कर दे, चमकती है मेरे बालों में चांदी, बहुत मुमकिन है वो इनकार कर दे। हाय 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 हाय, इसलिए थोड़ा सा तकलीफ होती है। अरे इसमें ऐसा नहीं होता, चमकती है मेरे सर पे चांदी, मुमकिन है वो इनकार कर ले। अरे प्यार बताओ, ये चांदी किसी मारवाड़ी को हो सकता है, व्यापार कर ले। क्या बात है, ये होता है प्यार। नेहा जी, हाँ। ऐसे लोगों की वजह से ही मैंने इंसानों से मोहब्बत करना बंद कर दिया। आजकल जानवरों से कर रही हैं। और मैंने एक तोता पाल लिया है जिससे मैं बहुत मोहब्बत करती हूँ। उसे मेरी न उम्र से मतलब है, न सफेद बालों से मतलब है, उसे सिर्फ मेरी मोहब्बत से मतलब है। क्या बात, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करता है। वाह। एक दिन उसने क्या कहा, मैंने इस गीत में लिख लिया है, पढ़ती हूँ। सुनाइए। वाह लखन वाह। एक दिन हंसकर बोला मुझसे मेरा तोता। अच्छा। एक दिन हंसकर बोला मुझसे मेरा तोता, तुम मैं ना अगर होती कितना अच्छा होता, तुम मैं ना अगर होती, मैं ना अगर होती कितना अच्छा होता, अच्छा होता। एक डाल पे बैठ के करते हम प्यार की मीठी बातें, बाहों में बाहें डाले हम प्यार के नगमे गाते, मैं प्यार से देखा करता तुम शर्म का लफड़ा, न पजामा पहनना पड़ता, बिन बेडरूम हर डाले पर, बिन बेडरूम हर डाले पर हनीमून हमारा होता, तुम ना अगर होती कितना अच्छा होता, दो टकियों की एक नौकरी होती चाहे ना होती, होते 10-12 बच्चे स्कूल की फीस ना होती, महंगाई के क्या बात। दो दिन में प्यार का लड्डू कभी खारा तो ना होता, मैं ना अगर होती इतना अच्छा होता, ना पानी पानी करते, ना बत्ती हमारी बुझती, बड़े वाली सड़कों पर ना हड्डी हमारी सरकती, रिश्वत दे दे कर इतनी, ना कमर हमारी झुकती, नेताओं से बेईमानों से ना लेना देना होता, मैं ना अगर होती कितना अच्छा होता। क्या बात है, वाह वाह वाह। अनिता सोनी एक तोते से प्रेम करती है, जो कहते हैं कि भाई तू भी मैना हो जाती जिंदगी में तो कितना अच्छा होता, ना रिश्वत दे के कमर झुकती, ना पानी की चिंता होती, ना बिजली की चिंता होती। लेकिन यकीन मानिए, इंसान ने जानवरों को भी उतना ही करप्ट कर दिया है। अब आप कहें तोता तो तोता, मैना में वैसे बात नहीं रही। जैसे सुरेश अवस्थी जी ने एक बार एक तोती पाली, तो सुरेश अवस्थी जी को 4 दिन के लिए बाहर जाना था, तो बोले क्या करूं यार, 4 दिन बाहर जाऊं तो तोती को कहां छोड़ूं, इसे दाना पानी कौन देगा। तो अटल जी ने कहा मेरे घर पे छोड़ दो, मेरे घर में 2 तोते हैं, मैं उन्हें दाना पानी देता हूँ, तुम्हारे तोती को भी दे दूंगा। सुरेश जी बेचारे थोड़े से गंभीर आदमी है, बोले नहीं नहीं यार, 2 तोतों के बीच में मेरी तोती छोड़ नहीं सकता। अरे बोले नहीं, बहुत धार्मिक है, एक बार जाके देख लो। तो अटल जी के घर में गए तो दोनों तोते सचमुच पूजा कर रहे थे, एक भजन गा रहा था, एक चौपाइयां पढ़ रहा था। तो सुरेश जी ने अपनी तोती उसमें छोड़ दी। जैसे ही तोती छोड़ी, एक तोते ने दूसरे को कोहनी मारी, अबे पूजा पाठ बंद कर, दुआ कबूल हो गई। एक बुजुर्ग ने शादी की, 80 साल की उम्र में शादी की उन्होंने, और शादी करने के बाद एक दवाई की दुकान पे गए और बोले भैया आर्थराइट्स की, मतलब घुटने के दर्द की 5-6 गोलियां दे दो, जरा माथे के दर्द की भी 10-1 गोलियां दे दो, जरा एक प्लास्टर भी छोटा सा दे दो पट्टी बांधने वाला, और जरा खांसी का भी कुछ इलाज हो तो दवाई दे दो। तो मैं पास में खड़ा था, मैंने कहा क्या चल रहा है, हनीमून शॉपिंग कर रहा।
बुजुर्ग किसी भी उम्र में कुछ कर सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में एक ऐसे बुजुर्ग बैठे हैं जो हर उम्र में उन्होंने जवान रहने का ठेका ले रखा है। सुरेश अवस्थी इस देश के एक प्रखर व्यंग्यकार का नाम होता है, जो एक पत्रकार भी है, कलमकार भी है, व्यंग्यकार भी है, और देश के सारे कवि इनके पांव छूते हैं क्योंकि ये देश के सबसे बड़े आयोजक हैं, डॉक्टर सुरेश अवस्थी। मैं आपको बधाई देता हूँ, आजकल आप तोते से काम चला गए। लेकिन सच ये कि ना इनके पास तोता है ना मेरे पास तोती है, दोनों वाह वाह क्या बात में आ गए, आजकल दोनों एंकरिंग कर रहे हैं। चले भाई एक काम आपको वाह वाह क्या बात में और करना चाहिए जी, मुजावर मालेगांव जी का एक अंतरराष्ट्रीय सम्मान होना चाहिए, और इसलिए होना चाहिए क्योंकि कल माल पड़ी, आज गाना गा रहे हैं, ऊपर से नाच रहे हैं। हमारे आपके घर में इतनी बार सांस्कृतिक कार्यक्रम हुआ, एक दूसरे को बताने के अलावा कभी किसी को बताया? आपने मुझे हमेशा बताया जब जब आपको पड़ी। आपने मुझे बताया, ये हिम्मत काम है जो आज मुजावर जी ने किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसके ऊपर दूसरी शादी की तैयारी। हाँ। ये पत्नी से परेशान तो वो तोते से परेशान, लेकिन अपनी परेशानी तो बच्चों की है। जी किसके? 7-8 साल का बेटा जी, उसने कंप्यूटर पे एक बहुत बढ़िया प्रॉब्लम हल की, तो हमने उसकी पीठ थपथपाई, मैंने शाबाश बेटे तू देखने में बेवकूफ लगता लेकिन है नहीं। अच्छा। उसने तुरंत मुझे निपटाया, बोले पापा मुझ में आप में यही तो फर्क। क्या बात है, बहुत अच्छे। रामलीला दिखा के लौटा तो मैंने उससे एक सवाल किया तो बड़ी दूर की कौड़ी लेके आया, बहुत बढ़िया जवाब दिया उसने। हमने उससे पूछा बेटे बता कि कुंभकर्ण एक दिन जगता था 6 महीने सोता था, ऐसा क्यों होता था? बेटा बोला पापा कुंभकर्ण बड़ा महान था, बाहर से राक्षस था भीतर से इंसान था। वाह वाह बढ़िया बात है। बाहर से राक्षस था भीतर से इंसान था, उसके एक बहन थी, दो भाई थे, सबके सब बदमाश थे, सबके सब हरजाई थे। बड़ा भाई रावण घमंडी इतना कि खुद को भगवान कहता था, छोटा भाई विभीषण बड़े भाई को मरवा के गद्दी हथियाने की कोशिश में रहता था। वाह। और बहन सूपनखा दिन भर आवारा लड़कियों की तरह गली गली में डोलती थी, और जहां कहीं लक्ष्मण जैसा खूबसूरत नौजवान दिखता था शादी करोगे, ये बोलती थी जी। पूरे खानदान का चरित्र देखकर बेचारा कुंभकर्ण भीतर ही भीतर रोता था, ये सब कुछ ना देखना पड़े इसलिए एक दिन जगता था 6 महीने सोता था, इसलिए एक दिन जगता था 6 महीने सोता था। आपको अनुभव बताता हूँ, जब मुझे नौकरी की तलाश थी तो मैंने हिंदी में पीएचडी की तो मुझे लगा मैं हिंदी का अध्यापक बन जाऊं। एक कॉलेज में मैं इंटरव्यू देने गया, कैसी कैसी स्थितियां हुई मैं आपके आनंद के लिए बताता हूँ। बताइए। जब मैं देने पहुंचा इंटरव्यू, वहां पर बेरोजगारों की बड़ी लंबी थी क्यू। 12 बजे के बाद मुझे अंदर बुलाया गया, इंटरव्यू कमेटी के सामने जमीन पर बिठाया गया। एक ने पूछा पढ़ाई की कितनी सीढ़ियां चढ़े हो, अर्थात कितने दर्जा पढ़े हो। मैंने कहा एमए किया है। बोला ठीक है लेकिन ये बताओ बीए का इम्तिहान क्यों नहीं दिया? अच्छा। मुझे हंसी तो आई लेकिन मैं हंस नहीं पाया खुलकर। मैंने कहा एमए बीए के बाद ही आता है सर। अगला सवाल तो उसका बहुत ही टाइट था, बोला एमए में कितने विषय थे और कौन सा साइड था? अच्छा। मैंने कहा सर एमए में एक ही विषय होता है, और बेरोजगार आदमी साइड के लिए नहीं सोसाइड के लिए होता है। क्या बात है, वाह। मैंने सोच लिया कि ऐसे बेवकूफों के साथ हम कोई रिस्क नहीं लेंगे, अब जो भी सवाल किए जाएंगे उसके उत्तर कुछ उल्टे सीधे देंगे। अच्छा। तो प्रिंसिपल ने कहा महाकवि जयशंकर प्रसाद के बारे में क्या जानते हो? जयशंकर प्रसाद जी। उन्हें किस कोट का कवि मानते हो? मैंने कहा सर जब शिवरात्रि के दिन शंकर जी के जयकारे लगाते हुए जो प्रसाद चढ़ाया जाता है वो जयशंकर प्रसाद कहलाता है। तो प्रिंसिपल बोला बातें मत बनाओ, कोई मंत्र आता हो तो सुनाओ। तो मैंने मंत्र सुना, ओम छू काली कलकत्ते वाली तेरा भजन जाना खाली खप्पर में कहे सब खाए मसान में लेटे सैयद से एक मुगल पठान अठवा गठवा नक्षित तैल जिंद बांधे असली जिंद कावे जानवर की बूटी इनाम पावे ओ भूत के भाई चुड़ैल के चाचा ओम छू बाचा छू बाचा छू बाचा। क्या बात है, वाह 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 वाह। ये सुन के एक मेंबर झूमने लगा, दूसरा हमारा हाथ चूमने लगा, बोला अब तुम्हें हम कॉलेज की नौकरी नहीं देंगे, अपने चट्टे पर मैनेजर के साथ रखेंगे। अच्छा। क्योंकि हम देश को दुनिया को करिश्मा करके दिखाएंगे। हमने सुना है कि जापान में म्यूजिक से दुही जाती हैं भैंसे, हम मंत्रों से दुहाएंगे। वाह 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 वाह, बहुत अच्छे। मैंने कहा भाई साहब
हमें इतने पावरफुल मंत्र आते तो देश के दुश्मन सैनिकों का सर नहीं काट पाते। क्या बात है, वाह वाह वाह। हम चरित्र से नंगे नहीं होते, देश में कहीं दंगे नहीं होते, और महंगाई की सर पर मार नहीं होती, शिक्षा शिक्षा होती, व्यापार नहीं होती, शिक्षा शिक्षा होती, व्यापार नहीं होती। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, वाह वाह, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया डॉक्टर सुरेश अवस्थी, आपने एक अद्भुत कविता पढ़ी थी, इस कविता के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। लगातार बिना फंबल के चार बार बोला वाह वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। हम जो हमारा सेगमेंट छुपे रुस्तम का करते हैं, उसमें यही कोशिश करते हैं कि हम ऐसे मासूम कवियों को ढूंढ के लेके आए जो अलग अलग शहरों के, अलग अलग गांवों के, अलग अलग कोनों में बैठे हैं, कविताएं लिखते हैं और अभी तक दुनिया की निगाहों के सामने नहीं आ पाए हैं। आज एक ऐसी ही छुपी रुस्तम हमारे बीच में है जो नागपुर से आई है और पेशे से एक गायनेकोलॉजिस्ट है, पढ़ी लिखी स्त्री रोग विशेषज्ञ है, वो एक डॉक्टर है लेकिन हिंदी में कविताएं करती है और उनकी कविताओं की मासूमियत हम आपके समक्ष पेश करते हैं। आज की छुपी रुस्तम नागपुर की डॉक्टर सुष्मित। अभी ट्रेन में आ रही थी इस कार्यक्रम के लिए तो साथ में जो बैठे लोग थे उन्होंने पूछा कि आप कहाँ जा रही हैं, हमने कहा कविता पढ़ने जा रही हैं, तो कहने लगे कि आप तो डॉक्टर हैं, हमने कहा हाँ। तब एक महिला बड़ी सहानुभूति जताते हुए बोली, अरे अरे बेचारी की प्रैक्टिस भी नहीं चलती। बहुत अच्छे। हमारे एक मित्र डॉक्टर थे, उनका क्लिनिक चलता ही नहीं था, पूछिए सुरेश अवस्थी जी क्यों नहीं चलता था, क्यों नहीं चलता था, क्लिनिक था सेकंड फ्लोर पे और उन्होंने नीचे नाम लिखा हुआ था डॉक्टर श्याम, ऊपर जाने का रास्ता। आजकल महंगाई बड़ी है और हर चीज में मिलावट, हम सब परेशान हैं, तो इसी मिलावट पर कुछ लिखा है जी, सुनाए। कि एक दिन नाश्ते की टेबल पर, एक दिन नाश्ते की टेबल पर मच गया गदर, टोस्ट तो करारे बन गए थे, फ्रिज खोला तो खत्म था बटर। अच्छा। हम झल्लाए, हमने कहा क्या अब सूखा टोस्ट चबाएंगे, ये बोले नहीं प्रिय, तुम्हारा फेस क्रीम है ना, उसे टोस्ट पर लगाकर खाएंगे। अच्छा, फेस क्रीम। हम घबराए, तुम्हारी अकल क्या घास चरने निकली है, हाँ। ये बोले पगली, तुम्हारे फेस क्रीम में ही तो केसर बादाम और मलाई असली है। हाँ, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। देखती नहीं हर चीज में कितनी मिलावट है, फलों पर सजी कितने केमिकल्स की सजावट है, वाह। केले और आम कच्चे ही कार्बाइड में पक रहे हैं, लौकी के बच्चे को रातों रात बढ़ने के इंजेक्शन लग रहे हैं। क्या बात है, वाह। एप्पल पर मोम लगाकर उसे महीनों चमका रहे हैं और हम अनजान भोले फलों के नाम पर जहर खा रहे हैं। क्या बात है, वाह वाह, बहुत अच्छे। जाने मन, असली स्ट्रॉबेरी तो तुम्हारे फेस वॉश में है, हैंड पिक टमाटर तो अब टमाटो सॉस में है, वाह। इस देश में बादाम सर लगाने के तेल में है, मगर ब्राइट साइड तो देखो, हमारे कुछ नेता इस वक्त जेल में हैं। अच्छा। पीने को ना मिले शरबत में, नींबू बर्तन धोने के बार में सजा है, वाह। और शक्कर के गाढ़े घोल में ही अब असली शहद का मजा है, वाह। प्राण प्रिय, भ्रष्टाचार और मिलावट किसी फेयरनेस क्रीम की तरह लोकप्रिय है, आज के युग में हमारे नैतिक मूल्य बेहद हास्यपद और निष्क्रिय है। क्या बात है, वाह वाह, क्या बात है। कहां शुद्धता ढूंढ रही हो दूध दही पनीर में, माँ के हाथों का स्वाद तो अब हो गया है सील पैकेटों की खीर में। क्या बात है, बहुत अच्छे। बस याद करो तुम जो कह गए थे रामचंद्र कभी सिया से, शुद्ध प्रेम मिलेगा तुम, परेशान मत होना तुम्हें इसी पिया से। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। क्या बात है भाई डॉक्टर सुष्मित, आपने बहुत बहुत मासूमियत से जैसा एक डॉक्टर सोचता है वैसा कहा और जैसा एक गृहिणी सोचती है वैसा कहा। हम आपको एक छुपे रुस्तम की ट्रॉफी इसलिए देना चाहते हैं कि बहुत अच्छा किया आपने कि आपने मिलावट पे कविता लिखी, कविता में मिलावट नहीं की। क्या और बात हम है? चाहते हैं कि ये कविता में मिलावट न हो, कविता की मासूमियत हमेशा बनी रहे, इसलिए आइए आज के इस मंच पे हम छुपे रुस्तम की ट्रॉफी देते हैं डॉक्टर सुष्मित। बूढ़े हैं नर है या नारी है,
सी देने वालों के सब ही आभारी है। कविता सुनाने वाले अब सबके साथ है। तो भैया देखा आपने, हमारे देश का आम नागरिक जो जैसा चाहता है वैसा लिखता है, जैसा दिखता है। मैंने देखा एक आदमी को ट्रक के पीछे शानदार, एक ड्राइवर ने शेर लिखा और लिख के छोड़ दिया, दुनिया वाला पढ़ो क्या लिखा हुआ था शानदार। बोले ट्रक मेरी है आपकी नहीं है, ट्रक मेरी है आपकी नहीं है, जब चाहूंगा साइड दूंगा, सड़क आपके बाप की नहीं है। लेकिन इस वक्त हम साइड ले रहे हैं लौट के आने के लिए आपके पास। आप जानते हैं हम आपके पास लौट के आएंगे तो सारे मोहल्ला मिलके एक ही बात कहेगा, वाह वाह क्या बात है।